नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य 20 खबरों पर। कानपुर में 30 फीट गहरे कुएं से बच्चे का रेस्क्यू, तीन रस्सियों के सहारे 20 मिनट बाद बाहर निकाला, शाबाश बहादुर बोलकर बढ़ाते रहे हौसला। बाइक सवार को बचाने में सिपाही की कार खंती में गिरी, हादसे में सिपाही गंभीर रूप से घायल, कानपुर रेफर, एक दिन पहले हुआ था प्रमोशन। सुल्तानपुर में भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की अभद्रता, चोरी से आरओ प्लांट चलाने वाले के पैरवी में पहुंचे थे। नौ में चार शिक्षकों की सेवा समाप्त, सालों से स्कूल में बिना सूचना के चल रहे थे अनुपस्थित, नोटिस का भी नहीं दिया जवाब। गगनयान मिशन के लिए आगरा में तैयार हुए पैराशूट, जुलाई में हो सकती है परीक्षण वाहन की पहली उड़ान, बेंगलुरु भेजा गया पैराशूट सिस्टम। के लोक भवन के सामने दंपति ने किया आत्मदाह का प्रयास, हजरतगंज पुलिस ने बचाया, लखनऊ में प्रधान पर चुनावी रंजिश में फर्जी मुकदमे का आरोप। गैंगस्टर विजय मिश्रा के भतीजे की संपत्तियां जब्त, वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान गैंगस्टर सतीश मिश्रा से 5.80 लाख की नकदी और स्वर्ण आभूषण किए थे बरामद। में विजिलेंस ने बीईओ को रिश्वत लेते पकड़ा, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी की एक शिक्षक ने की थी शिकायत। उन्नाव में खनिज विभाग की टीम ओवरलोड ट्रकों पर की कार्रवाई, जिला प्रशासन ने संयुक्त टीम के साथ चेकिंग कर पकड़े 9 ओवरलोड ट्रक। में गंगा नहाने गए बीटेक के दो छात्र डूबे, एमएनएनआईटी के छात्र अलवर और मऊ के रहने वाले, पैर फिसलने से हुआ हादसा। मलेशिया में फंसे भदोई के युवक की हुई घर वापसी, भदोई पुलिस के सहयोग से घर पहुंचा युवक, टूरिस्ट वीजा पर एजेंट ने भेज दिया था वीजा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर युवक की मौत, गाजियाबाद में दुहाई के पास डिवाइडर से टकराई बाइक, दोस्त की हालत गंभीर। जौनपुर में अज्ञात लोगों ने की युवक की हत्या, नहर में मिला शव, देर रात लाइट चले जाने पर बाहर निकला था। के भूतेश्वर तिराहा की बदले की सूरत, दुकानों पर लगेंगे एक रंग एक साइज के बोर्ड, तिराहा पर लगेंगे भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह। अजमेर में भिड़े सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट गुट के समर्थक, एक दूसरे को मारे थप्पड़ और घूंसे, आरटीडीसी चेयरमैन मुर्दाबाद के लगे नारे। अम्बाला में मिले चार जिंदा हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज, झाड़ियों से हुई थी बरामदगी, आतंकी साजिश की आशंका, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कब्र खोदकर निकाली लाश, अब पोस्टमार्टम, परिजनों का आरोप, डॉक्टर ने किडनी निकालकर दिया था सब।
पंजाब पुलिसकर्मी ने महिला को थप्पड़ मारा। गुरदासपुर में किसान नेताओं को घसीटा, दस्तारे उतारी, माहौल तनावपूर्ण, आरोपी पर लाइन हाजिर। गुजरात में लगेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। सीएम, गृह मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई राजनीतिक हस्तियों को आमंत्रण। मुरादाबाद में पुलिस चौकी के सामने मां बेटे पर तेजाब फेंका। देवी जागरण के कार्ड बांटकर लौट रहे थे मां बेटे, पुलिस ने माना दुर्घटना। Jump.